हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी का जो वीडियो है वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहन के लिए है जो क्लास 9 एंड 11 का फाइनल एग्जाम ऑनलाइन देना चाहते हैं। क्योंकि आप सबके लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आप सबको दूंगा, पर उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं। सबसे पहले हम लोगों की मांग जो थी किस तरीके से स्प्रेड हुई आप वो लोग देख रहे हैं, पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत जगहों पर ऐसा किया गया, लेकिन झारखंड में तो पूरा कन्फर्म। अब एक और मेरे प्यारे दोस्तों एक और जगह पे पूरे स्टेट में ऑनलाइन करा दिया गया है, और ये चीज का इफेक्ट, माफ करें, पूरा इफेक्ट आप लोगों के स्कूल में पड़ने वाला है। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आप जानिए, समझने की कोशिश करिए, और इस इंपॉर्टेंट से छोटी से वीडियो के बाद मैं पूरा डिटेल्स आपको देता हूँ। डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों वन अकेडमी लेकर आ चुकी है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सीए एस्पिरेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर आप या आपका कोई अपना सीए के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं मे के एग्जाम में, तो वन अकेडमी लेकर आ चुकी है बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विन स्कॉलरशिप फ्रॉम 1 करोड़ पूल, यहाँ पे रैंक के डिटेल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10, रैंक 11 to 50 एंड रैंक 51 to 200 एंड सो ऑन, पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। उसी के साथ हम अन अकेडमी जो आपको बेनिफिट दे रही है, आप यहाँ पे हमारा कोड देख पा रहे होंगे मियाँ भाई क्लासेस, जिसे यूज़ करने से आपको मिल सकती है हर एक सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट, और ये लिमिटेड ऑफर है, याद रखें कुछ दिनों के लिए है, और बहुत ज़रूरी है आपको हमारा कोड यूज़ करना जिससे आपको मिल जाती है हर एक चीज़ पर एक्सेस। अब बात कर लेते हैं अव्यासा बैच के बेनिफिट्स के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि स्टार्ट हो चुकी है 11 फरवरी 2021, आप देख सकते हैं, और सीए एस्पिरेंट ग्रुप 2 के लिए फाइनल एग्जाम। और यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप बेस्ट एजुकेटर्स, यानी कि इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स सीए फाइनल ग्रुप 2, आप देख सकते हैं सचिन गुप्ता सर, दुर्गेश सिंह सर एंड महेश गौर सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप खुद चूज कर सकते हैं आपके टॉप बेस्ट एजुकेटर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे आपके पास अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, एक्सेस कर सकते हैं नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एजुकेटर्स द्वारा। आप यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने घर पे बैठे आप ये सारी क्लास कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, साथ साथ फिजिकली मूव करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। उसी के साथ घर बैठे आराम से आपको यहाँ पे फोर्थ हर एक सेशन में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है और टेस्ट कंडक्ट होते हैं, इवैल्यूएशंस वगैरह होती रहती हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं कि अभ्यासा बैच पूरे कोर्स कवर करेगी विद प्रैक्टिस इन नेक्स्ट 1 मंथ। 21 मई से एग्जाम है, सो एग्जैक्टली 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, मेक द मोस्ट। एंड मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैचेस एंड रिविजन क्लासेस विद जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन, रिमेंबर दिस। तो आप लोग यहाँ पे हमारा रेफरल कोड यूज करके प्रोसीड करें और आपको मिलेगी अनलिमिटेड फायदे अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अब कहाँ है सीबीएसई और अब कहाँ है वो लोग जो ऑफलाइन को सपोर्ट करते हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? क्योंकि मैं इस मैटर को इसलिए पहले बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उनका ये कहना था, स्कूल प्रिंसिपल्स का ये कहना था जो लोग ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं सर्वे में, कि कोई भी स्टेट अगर ये बोलता है, पूरा स्टेट अगर कोई एक या दो स्टेट ऑनलाइन करा देता है, बच्चों को अगर ऑप्शन दे देता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का ऑप्शन दे देता है, तो हम लोग भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का ऑप्शन दे देंगे, कोई एक या दो स्टेट करवा दे। तो अब हमारे सामने तो है, हमारे सामने झारखंड है और एक और आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड से। आप लोग देख पा रहे होंगे ऑफिशियल न्यूज़, शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, हेजी है, बट वहाँ पे 11 एंड 9 आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन ऑप्शन के बारे में लिखा गया है। साथ साथ मैं आप सबको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि देखिए आखिर इन लोगों का मेंटेलिटी कैसा है, जो आपके स्कूल वाले जो ऑफलाइन ले रहे हैं उनका मेंटेलिटी कैसा है, वो लोग आखिर देख रहे हैं कि इन स्टेट में ऑनलाइन करा दिया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं कराया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, बच्चों को ऑप्शन दिया जा रहा है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जिसे जो मोड में देना है वो दे सकता है, तो इन लोगों का मेंटेलिटी कहाँ है, इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज, तो जब सर्वे हुआ था तो सारे प्रिंसिपल्स ये कह रहे थे कि जब अगर मान, हम लोगों को बिलीव नहीं है क्योंकि सरकार का ये फैसला है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन एग्जाम होगा, अगर कुछ स्टेट्स एक या दो स्टेट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन देंगी तो पूरे भारत में लागू हो जाएंगी। तो आप क्या चाहिए, मेन मैटर है आप क्या चाहिए, झारखंड में हो गया, फिर ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट में नहीं है, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यहां पे मैसेज देख सकते हैं, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि भैया आप लोगों की मेहनत रंग लाई। तो कई जगहों पे स्कूल के मैनेजमेंट और उनकी थिंकिंग बहुत अलग है, जो कि आपके स्कूल को लोगों को भी रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज कि 1 to 8 के बच्चे ऐसे ही प्रमोट हो जा रहे हैं बिना एग्जाम दिए, बिना कुछ करे, ठीक है मानता हूं वो बच्चे हैं 1 to 8, चलिए मैं 1 to 7 या देखा जाता है, अब 8 के भी बच्चे हैं, तो आप लोग क्या पूरा बड़े हो गए हैं, आप लोग क्या कॉलेज स्टूडेंट हैं, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में यूजीपीजी के स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दे दिया गया है, तो ये जो बीच के स्टूडेंट्स हैं 9 और 11, इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेन मैटर वही है, बट इससे हमें लेना देना नहीं है। हम लोगों को अगर कोविड हो जाता है, कोविड छोड़ो, हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, तो क्या स्कूल वाले हमें प्रमोट करेंगे, क्या स्कूल वाले हम लोगों को आगे ले जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा मैटर है। अब जब सारे स्टेट वगैरह आप लोगों के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, एज अ भैया आपका भैया होने के नाते सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। तो आप देखिए कई जगहों पे ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो अब आप लोग देखिए,
अब अनुभा मैम भी इसको लेके या जितने भी लोग हैं इसके लेकर मैटर को बात करेंगे, और ये चीज करना पड़ेगा आप लोगों को। स्कूल वाले जब कहते थे सर्वे में कि हम लोग तो देख लेंगे, अगर एक दो स्टेट ऑनलाइन कराती है हम भी करा देंगे, तो आप कराओ, अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लोग भी बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंस कुछ डिटेल्स लेकर आके मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा बहुत जल्द, आज नहीं तो कल सुबह जरूर दूंगा इसके रिगार्डिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बहुत बड़ी खबर है, मिलते हैं अगले अपडेट में और डिटेल्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।